हाय एवरीवन, दिस इज माधुरी। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे काय मजेद पर है ना? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल गाइस। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वाव स्किन साइंस का ब्लेमिश केयर सीरम, जो कि उन्होंने न्यू लॉन्च किया है। सीरम है स्पेशली डिजाइन फॉर ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप एंड पर्सनली बिलोंग्स टू ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, सो इट्स अ वेरी रिलेटेड वीडियो टू मी एज वेल। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि आपको सीरम क्यों यूज करना चाहिए, एंड अबाउट दिस सीरम आई विल शेयर इन्फॉर्मेशन विद यू गाइस। सो इफ you interested to watch this video, then please keep on watching. Before that, अगर आपने मेरे बाकी के videos नहीं देखे हैं तो please guys have a visit that video as well, and please do subscribe my channel. So चलिए without any further ado, let's get started the video. So guys, I'm talking about this serum जो कि है oil free blemish care serum from Wow Skin Science, और ये जो है कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, इसका आउटर पैकेजिंग है, एंड ये स्पेशली डिज़ाइन है ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए। डर्माटोलॉजिकली ये टेस्टेड है गाइस प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट इज़ ट्रूली मेड इन इंडिया, एंड इसके ऊपर इस तरह से एक QR कोड होता है जो कि आप स्कैन करके इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं, ये कितने प्रोडक्ट जेन्युइन है आपको पता चल जाएगा। इसे कम्स इन अ ग्लास बॉटल, आप देख सकते हैं दिस इज़ अ ग्लास बॉटल, एंड ये एक सेफ्टी कैप के साथ आता है, एंड आप इसे अगर लॉक करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रैवल फ्रेंडली होती है। बट दिस इज़ अ ग्लास बॉटल, आई विल नॉट सजेस्ट यू दैट। और एंटी एक्ने, पोर मिनिमाइजिंग, स्पॉट रिड्यूसिंग, इस तरह से हमारे स्किन प्रॉब्लम्स को ये कम कर देता है। आई एम पर्सनली बिलोंग्स टू ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, एंड आई नो गाइस कि ऑयली टू कॉम्बिनेशन टाइप वाले जो होते हैं उनको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम हो जाता है, पिंपल्स की वजह से स्कार्स के प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। अगर कंपेयर करो ड्राई स्किन वाले तो इतना वो सफ़र नहीं करते जितना ऑयली स्किन वाले सफ़र करते हैं। सीरम क्यों यूज़ करना चाहिए? एक्चुअली सीरम जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है क्रीम या एनी मॉइस्चराइजर से। सीरम इज़ अ वेरी बेनिफिशियल बिकॉज इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रीम्स या बाकी जो मॉइस्चराइजर होता है उसके मॉलिक्यूल से बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, जो कि ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन में। जो उसका इफेक्ट है वो बहुत ही कम दिनों में हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि अंदर तक पेनिट्रेट होता है, एंड बहुत ही एक विजिबल चेंज दिखा देता है हमारी स्किन के ऊपर। लेकिन अगर आप ओनली सीरम यूज़ करेंगे इट्स नॉट गोइंग टू वर्क ऑन योर स्किन। अगर आप सीरम के साथ मॉइस्चराइजर यूज़ करोगे तो ही उसका इफेक्ट आता है, बिकॉज वो उड़ जाता है, वो अंदर तक जाके उसको लॉक नहीं होता है। लॉक करने के लिए हमें मॉइस्चराइजर या क्रीम यूज़ करनी ही होती है गाइस। सो टॉकिंग अबाउट दिस सीरम, इट्स अ सीरम फॉर डार्क स्पॉट रिड्यूसिंग, और बहुत ऐसे पर्पज से ये सीरम है। और इसमें है मेन इंग्रेडिएंट टी ट्री ऑयल, जो कि एक्ने प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करता है गाइस। इट्स अ वेरी प्रिवेंटिंग फॉर एक्ने स्कार्स। एंड ये जो सीरम है आपको 499 रुपीज़ में मिलता है, जो कि अच्छे खासे डिस्काउंट्स में मिल जाता है कोई भी ऑनलाइन स्टोर में, जैसे अमेजोन हो गया। अभी उनकी पर्सनल वेबसाइट भी है, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ 50 ml ऑफ क्वान्टिटी। और ये जो है क्रुएल्टी फ्री है, 100% वीगन है, एंड डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, ग्लूटेन फ्री है। एंड इसमें जो इंग्रेडिएंट है, हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में, जो कि है प्यूरीफाइंग वाटर, एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट है, ग्लिसरीन है, सैलिसिलिक एसिड भी है, और कैलमाइन भी है, बहुत ऐसे टी ट्री का इसेंशियल ऑयल है, विलोबाट एक्सट्रैक्ट है, सोडियम हेलुरोनिक एसिड भी है इसमें गाइस। अगर आपको इस इसेंशियल ऑयल या समथिंग कुछ कभी आपने यूज़ नहीं किया है सीरम, तो आपके नेकेड स्किन के ऊपर सीरम फर्स्ट टाइम पे यूज़ कर रहे हो तो मत अप्लाई कीजिए। आप पहले यूज़ टू होने दीजिए स्किन को, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए। मतलब वाटरी बेस्ड या नॉर्मल क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर होगा, एक हल्का सा लेयर छोड़ने वाला, उसके ऊपर ही आप जस्ट आपके जहाँ पे डार्क स्पॉट्स है या आपको कुछ इफेक्टेड एरिया है तो आप उसी तरह से अप्लाई करके फिर बाद में आप नेकेड स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, जब आपकी स्किन एडजस्ट हो जाए इसके लिए। और ये जो है इसके की इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन सैलिसिलिक एसिड इट्स अ माइल्ड एक्सफोलिएटर, जो कि आपके स्किन के ऊपर जो भी कुछ डार्कनेस होगा या स्पॉट्स होते हैं उसे रिड्यूस करने के लिए सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। बट सैलिसिलिक एसिड आपकी स्किन नहीं बेयर कर पाती है, तो माइट भी आपकी स्किन को इशू हो सकता है। नहीं, कोई भी सीरम होगा उसका पैच टेस्ट ज़रूर करना है आपको। आपको कोई रेडनेस होता है या आपकी स्किन कोई अलग तरीके से रिएक्ट करती है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। सो गाइस, ये एक ग्लास बॉटल में पंप एप्लीकेटर के साथ आता है, एंड आप व्हेन यू पंप इट तो इस तरह से कुछ लाइट बेबी पिंक कलर का प्रोडक्ट बाहर निकल के आता है, एंड विच इज़ वेरी
नॉन स्टिकी, लाइट वेट एंड बहुत ही हेवी फील नहीं होता है. आप देख सकते हैं हल्का सा रनी भी है, लिक्विडी भी है. व्हेन यू ब्लेंड इट, ये बहुत ही इजी तरीके से ब्लेंड होता है. एंड अच्छी बात है कि कुछ भी अप्लाई किया है इसे नहीं फील होता है, बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है. विंटर से ज़्यादा आप इसे समर सीजन में बहुत ही ज़्यादा पसंद करोगे. एंड इसका एप्लीकेशन का तरीका भी बहुत ही ईजी है. जस्ट वॉश योर फेस आफ्टर टोनिंग योर फेस. आपको जस्ट अप्लाई करना है जहाँ पे भी आपके डार्क स्पॉट्स है, पिंपल का इशू है, वहाँ पे आपको जस्ट अप्लाई करना है एंड जस्ट प्रेस करना है हल्के हाथों से. एंड उसके बाद में एक 1 मिनट तक रहने देना है. लेट द सीरम एब्जॉर्ब इन योर स्किन. एंड उसके बाद में आपको कोई भी मॉइस्चराइजर लगाना है. दैट्स इट. बहुत ही ईजी तरीका है. कुछ दिनों से मैं इसे ट्राई कर रही हूँ एंड आई एम क्वाइट लाइकिंग दिस सीरम. आप भी इस सीरम को ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको भी पसंद आएगा इफ़ यू हैव ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप. सीरम्स की बात करूँ तो सीरम इट्स अ वेरी प्राइजी दैन द क्रीम एंड मॉइस्चराइजर बिकॉज दे आर इफेक्टेड टू अवर स्किन. तो इसके लिए सीरम की प्राइस थोड़ी सी हायर साइड में होती है. बट टॉकिंग अबाउट दिस सीरम इज ओनली 399 रुपीज. इट्स अ क्वाइट गुड डील फॉर अस गाइज. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इस वीडियो में मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है आपको जरूर अच्छी लगी होगी. अगर होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना. मिलते हैं ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो के साथ. सो चलिए टिल देन टेक केयर. बाय बाय. आपका दिन शुभ रहे.